अच्छा तो YouTube चैनल मैच आपने देख लिया, रे डिसअपॉइंटिंग, तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है और मुझे इस बात की भी तकलीफ हो रही है, पाकिस्तान इज आउट ऑफ टूर्नामेंट। सेमीफाइनल में जाने की जो एक मध्यम सी उम्मीद थी उसका दिया तो हो चुका है। तो अगर मगर का किस्सा खत्म, शाहीनों की वापसी कंफर्म, इंग्लैंड के पहले बैटिंग के फैसले ने रही सही उम्मीदें खत्म कर दी। 40 गेंदे 338 रन, सेमीफाइनल तक रसाई का सफर मिशन इम्पॉसिबल बन गया। दुनिया के नंबर वन बॉलर हमारे पास है, हम 150 प्लस फेंकते हैं पाईजान। पाईजान क्या हो गया, क्या हो गया पाईजान, इंग्लैंड ने आपको घुसा दिया। अरे जो बाबर कर रहा है, कहीं पे भी हग दिया, कहीं पे भी हग लिया, मतलब उसका तो मसला ही नहीं है यार। कोई जहां दिल जाता है, अफगानिस्तान में भी हग लिया, ठीक है, वो साउथ अफ्रीका में भी हग दिया, मतलब यार कमाल हो गया, तुम्हारे हग ही खत्म नहीं हो रहे, हग के तुमने इस वर्ल्ड कप के अंदर बर्बादी कर दी। आपके कप्तान साहब ने लाहौर जाते हुए, जब वर्ल्ड कप जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उन्होंने कहा था मैं जवाब मैदान में दूंगा, आपको मिल गया जवाब? अब मुझे मेरी बातों के आप जवाब देंगे, मुंह आड़े तिरछे नहीं बनाइएगा, आपको जवाब मिल गया? अब मैं क्या बोलूं, अब आप खुद सोचें क्या बोलूं, इस पे क्या बोलना चाहिए। यही बोलूंगा ना यार कि पाकिस्तान हैज अ बैड कैप्टन, नो डाउट अबाउट इट, पाकिस्तान इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। कुदरत के निजाम पे डिपेंड कर रहे थे ना, तो कुदरत का निजाम फिर उसी का साथ देता है जिसका दिल साफ होता है। कुदरत का निजाम फिर सबके लिए लागू है, आपके लिए अकेले नहीं है। आपने मजाक बनवा लिया अपना, आपके ऊपर पूरी दुनिया हंस रही है। मजाक नहीं बनेगा, क्रिकेट में पूरा दिन उनके साथ है जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे क्रिकेट खेलते हैं। तुम तो साले बदतरीन, तुम्हारी क्रिकेट बेगैरत, उसके ऊपर तुम कहते हो कि हम लेंगे, हम करेंगे, साहब तुम घंटा भाई, तुम्हारी औकात सेमीफाइनल की नहीं है मेरे भाई। जय हिंद दोस्तों, जज्बे वाली टीम का जज्बा टूट चुका है, अब पाकिस्तानी टीम जो है कराची के लिए रवाना हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरह से जो है इंग्लैंड से हार गया भाई। इंग्लैंड को सबने ठोका था, आज इंग्लैंड ने जो है पाकिस्तान को बढ़िया से ठोका, ऐसा ठोका कि ये बिल्कुल वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। इन लोगों को जो है कुदरत का निजाम भी नहीं काम इन लोगों के आया, लोगों ने कितना असरा लगाया था कि हम ये कर देंगे तो हम टॉस शुरू में ही टॉस जीत लेंगे, और टॉस जीतने के बाद पाकिस्तानों का सोचना था कि हम शुरू में टॉस जीत लेंगे तो हम जो है इंग्लैंड के ऊपर 350 रन का जो टारगेट रख देंगे और इन लोगों को 150 के अंदर इन लोगों को जो है ऑल आउट करके हम लोग। दुनिया के नंबर वन बॉलर हमारे पास है, हम 150 प्लस फेंकते हैं पाईजान। पाईजान क्या हो गया, क्या हो गया पाईजान, इंग्लैंड ने आपको घुसा दिया। इंग्लैंड जैसी टीम आपके ऊपर इतना बड़ा टारगेट बनाती है भाई, आप देखिए ये पूरे इवेंट में, पूरे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड जिस जिसके साथ खेला है कितने रन बनाए हैं, और आज देखो भाई पाकिस्तान को उठा उठा के पटका है। कहां गए भाई 150 प्लस फेंकने वाले पाईजान। 150 प्लस फेंकने वाले पाईजान जो है ना, वो बैट्समैनों की लिस्ट में बैठे हुए हैं, देखो के बाद जो है डायरेक्ट उसका नंबर आता है आरएस राउत का। टॉस इंग्लैंड जीत गया था तो उसी वक्त जोश बटलर ने बोल दिया था कि भाई आज हम जो है पाकिस्तान का बेन स्टॉक्स करेंगे। कि भाई इंग्लैंड के जो जो प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म थे वो आज सब फॉर्म में आ गए। ऐसा पहला है पाकिस्तानी बॉलर्स को कि मजा ही आ गया भाई। भाई तुम्हारी औकात सेमीफाइनल की नहीं है मेरे भाई, ये बड़ी शर्म की बात है कि सेमीफाइनल से भी बाहर हो गए। ऐसी टीम, इंग्लैंड जैसी टीम भाई जिसको अफगानिस्तान ने ठोका, आप औकात देखे पाकिस्तानी, तुम्हारी क्या औकात है भाई, क्या औकात है, गटर का ढकना खोलो चूहा बाहर आ जाता है, तुम्हारी औकात उसकी भी नहीं है भाई। भाई सबने इंग्लैंड का बजाया, आज इंग्लैंड तुम्हारी बजा रहा है भाई, यहीं से पता चलता है कि तुम्हारी औकात जो है ना वो जाट के बाल की भी नहीं है। अपनी हालत देखो, अपनी शलवार पटी हुई है, नीचे बबुम्बा दिख रहा है और भाई लोगों के ऊपर हंस रहा है, बताओ ये वो इंग्लैंड है जो अफगानिस्तान ने इस इंग्लैंड को कचरा कर दिया, बोरा बिस्तर गोल कर दिया इस इंग्लैंड का, वही इंग्लैंड आज पाकिस्तान को घुसा दिया, पूरा हलक तक घुसा दिया, ठोक दिया पूरा पाकिस्तान के बॉलर्स को। सेमीफाइनल में जाने की जो एक मध्यम सी उम्मीद थी उसका दिया तो हो चुका है। आज मैं आपसे क्या ही सवाल करूं? लुकिंग वेरी डिसअपॉइंटेड, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बहुत सारे लोग भी जो हैं वो इसी तरह दुख का शिकार हैं कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुआ, लेकिन आखिरी लम्हों तक एक उम्मीद जलाई रखी, एक उम्मीद कौम को दी रखी कि जी इस तरह से हो जाएगा तो इस तरह होगा, इस तरह से होगा, अगर मगर की सिचुएशन में लेकर हम आज यहाँ तक पहुंचे, और नतीजा ये हुआ कि आज सुबह जब टॉस हुआ तो टॉस के साथ ही मैच हमारे हाथ से निकल गया। ठीक है, अब मैच हमारे हाथ से निकल गया तो दूसरा फेज शुरू होता है कि ठीक है हम अपना नवा मैच खेल रहे हैं,
आप बेहतरीन क्रिकेट खेलें, पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, होता है तो शायद हमारी टीम ने उस रन रेट की इंपॉर्टेंस को समझा नहीं और आज हमें ये दिन देखना पड़ा कि हम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गए। की बात की जाए तो आज एक बहुत पहाड़ जैसा चैलेंज था पाकिस्तान के लिए, वो भी उस सूरत में पॉसिबल होता अगर हम पहले बैटिंग करते। इंग्लैंड टॉस जीता और इमीडिएटली उन्होंने ये फैसला किया कि वो बैटिंग करेंगे, कि पाकिस्तान का सफर अब खत्म हो गया है। आपके कप्तान साहब ने लाहौर जाते हुए जब वर्ल्ड कप जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उन्होंने कहा था मैं जवाब मैदान में दूंगा, आपको मिल गया जवाब? अब मुझे मेरी बातों के आप जवाब देंगे, मुंह आड़े तिरछे नहीं बनाइएगा, आपको जवाब मिल गया? आपके कप्तान साहब ने कहा था कि इंडिया की बाउंड्रियां छोटी हैं, लगा ली छोटी हैं बाउंड्रियां। आपके कप्तान साहब ने कुर्सी ऐसे ऐसे हिलाते हुए कहा था सर आप हमें चार से कम में कहां सोच रहे हैं, आगे की बात करें, तो हो गया चार से आगे का सफर? हम तो वर्ल्ड कप जीतने आए हैं ना, चार से आगे का सफर हो गया? कहां है वो सोचना मना है का नारा लगाने वाले, कहां है वो ये ट्रेंड चलाने वाले, कहां है वो दे कांट प्ले देम, ऐसी था ना कुछ, कांट प्ले देम, कहां है वो? 533 रन, इतने तो बल्लेबाज नहीं बनाते जितना आपका जो है वो बॉलर बना के चला गया, बस साइड में लिखवा दो 150, वो डॉक्यूमेंट्रियां बनवा लो 0 to 150। अब लाइन 150 to 0 जो आपकी पहली लाइन है, हाँ शाहीन अफरीदी बड़े अच्छे बॉलर है, 481 गाली बना दिया उन्होंने, वो मेरे ख्याल से टॉप 6 जो ज्यादा रन देने वाले बॉलर शामिल हैं उसमें। अब आप मुझे बताएं ना 10 टीमों के टूर्नामेंट में टॉप 6 जो वर्स्ट बॉलर हैं रन देने के हिसाब से उसमें दो आपके बॉलर शामिल हैं, वो दोनों कौन हैं? वो जिसके बारे में आपने दुनिया को ये बात बता दी कि इंडिया का तो कोई हो ही नहीं सकता। गेम फुल डे पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री के लिए मुझे लगता है कि इससे बुरा दिन, इससे ज्यादा शर्मनाक दिन नहीं हो सकता। कब से बाहर हो गए हो पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, इसमें शुएब अख्तर आ जाते हैं भाई, पाकिस्तान टीम को गालियां दे रहा है बैठ के बंदा, ये मेरे इंटरनेशनल घंटे का घंटा भी बज चुका है, ये भाईजान वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, ये वो बंदा है, ये वो मेरे घंटे का किंग है। जब वर्ल्ड कप से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा इस घंटे के किंग से कि आशिम अमला ने बोला है कि जी पाकिस्तान टॉप 4 में आ जाएगी, और इस घंटे के किंग ने तब बोला था कि भाई आप क्या बात कर रहे हो, पाकिस्तान तो टॉप 1 पे आएगी। बेटा जब कप्तान ही फुदड़ किस्म का होगा ना, जब कप्तान ही घंटा होगा ना नेपाल के खिलाफ रन करने वाला घंटा, तो बेटा यही हरकतें होंगी, पकड़ के ना बजा दिया उन्होंने, बाहर हो गए वर्ल्ड कप से, पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में इन है। बेटा पाकिस्तान ऑफिशियली तौर पे वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, कुदरत के निजाम पे डिपेंड कर रहे थे ना, तो कुदरत का निजाम फिर उसी का साथ देता है जिसका दिल साफ होता है, कुदरत का निजाम फिर सबके लिए लागू है, आपके लिए अकेले नहीं है, मुझे बताओ बाबर आजम की जो इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस है, क्या बाबर आजम डिजर्व करता है कि टॉप 10 में भी बोले? बेटा टॉप 10 में मुझे लगता है बाबर की टीम में जगह नहीं मिलती। शुएब अख्तर ने बोला है कि बाबर आजम से कप्तानी ले लो तीनों फॉर्मेट की वापस और इसको इसकी औकात के मुताबिक खिलाओ। ये अपने से बड़ा बन रहा था, ये गेम से खुद को बड़ा समझ रहा था, घंटा के किंग, ये जो घंटा है ना, मेरे घंटे का किंग, ये जो मेरे घंटे का किंग है ना, ये गेम से बड़ा समझ रहा था उसको, और बढ़ गया प्रोग्राम, कोई कुदरत का निजाम काम नहीं आया। बेटा दिल साफ रखोगे तो ऐसी चीजें काम आएंगी। क्या अफगानिस्तान से कुत्तों की तरह हार के, इंडिया से कुत्तों की तरह हार के, ऑस्ट्रेलिया से कुत्तों की तरह हार के, साउथ अफ्रीका से कुत्तों की तरह हार के, और ये जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम सेमीफाइनल में जाएंगे और सेमीफाइनल में जाके इंडिया को हरा देंगे, क्रिकेट हो रही है, रणडी रोना नहीं हो रहा। आपकी टीम जो है वो सीरियसली तो कोई खेलता नहीं है, बच्चों की गलियों जो बच्चे हैं जो गलियों में क्रिकेट खेलते हैं वैसे तो ये लोग पाकिस्तान की टीम खेल रही है। बढ़िया टाइम से सीरियसली मैच को खेलना चाहिए, रनी रोना थोड़ा रोना है धीरे धीरे करके, अरे खेलो तो खुल के खेलो भाई, जब खेलने आए हो 50 ओवर का टारगेट भाई खुल के खेलो, और वाट लगा दो इंग्लैंड की, लेकिन तुम वाट क्या लगाओगे, अपना ही घंटा बजवा के चले आए, अब बहुत ही बेहुदी खेल खेले तुम लोग, लालच था वर्ल्ड कप लेकर जाएंगे इंडिया से, और चाय का कप भी जो इन लोगों को जो है नहीं लेके जा पा रहे हैं, अब जो कराची के लिए रवाना हो जाएंगे क्योंकि ये वर्ल्ड कप से जो है बाहर हो चुके हैं। जज्बे वाली टीम जो है वह घर जाने वाली है, दुनिया की नंबर 1 ओडीआई की नंबर 1 टीम, दुनिया के नंबर 1 बॉलर, अब घर जाएंगे पाकिस्तान में जाएंगे, चाय का कप कहीं कराची वराची से ख़रीद लेना और दिखा देना कि हम जो हो वर्ल्ड कप तो इंडिया से लेकर आए नहीं लेकिन चाय का कप जरूर लेकर आए हैं।
इसको दिखा दोगे तो घर वाले भी कहेंगे अरे कोई तो कप लेकर आया है, क्या पता घर वाले यही देख कर खुश हो जाए, यही दिखा दे रहा कि वर्ल्ड कप की जगह पे हम लोग चाय के कप लाए हैं। तीनों की ऐसी खेल है, खेल इन लोगों की इतनी बेहूदी खेल है कि पूरे पाकिस्तान के लोग जो है इनसे नाराज हो चुके हैं। देखिए इंग्लैंड ने सबसे हारा था, यहाँ तक कि अफगानिस्तान ने भी इंग्लैंड को हरा दिया था, लेकिन आज इंग्लैंड ने